ये सब क्या है गीत? हम लोग इतने सालों से रिलेशन में, तुम यहाँ किसी और के साथ, मुझे तकलीफ नहीं होगी क्या? तुम ना सिर्फ मेरे सामान उठाने के और हाथ पे दबाने के लायक हो। यार मैं बहुत मेहनत करूंगा, प्लीज मुझे छोड़कर मत जाओ, थोड़ा तो टाइम दे दो यार। कितने की है टी शर्ट? 120? नहीं सॉरी, 130 वाली ना। कभी आईने में देखा है खुद को? क्या हुआ दोस्त? बेटा एक बात याद रख, जब तक दिल नहीं टूटता ना और बेइज्जती नहीं होती, जब तक इंसान के अंदर का कलाकार बाहर नहीं आता। अगर सूरज की तरह चमकना है ना तो सूरज की तरह जलना चाहिए। नो पेन नो गेन। ठुकरा दिया है आज जिन्होंने मुझे मेरा वक्त देखकर, कसम खाता हूँ कि एक वक्त ऐसा जरूर लाऊंगा कि मिलना पड़ेगा मुझको वक्त। सोशल नेटवर्किंग साइट से फेमस हुआ यंग टैलेंट सुमित मेहरा आज इंडियन फिल्म इंडस्ट्री का वो नाम बन चुका है जिसके साथ बड़े से बड़ा डायरेक्टर प्रोड्यूसर और एड कंपनी काम करना चाहती है। मैंने बहुत कोशिशों के बाद सुमित मेहरा से मीटिंग का टाइम लिया है, वो मीटिंग तुम्हें करनी होगी। पर अंकल, सॉरी मैं थोड़ा लेट हो गया। सुमित, आपको हमारी कंपनी ब्रांड एम्बेसडर बनाना चाहती है। और बजट काफी अच्छा है। ओके, 70 लाख का है। सर घड़ी भी ना 70 लाख की पहनते हैं। मैं अगर घड़ी भी पहनती हूँ ना तो 48,000 की। आप लोगों को पता है सर अगर रिबन काटे जाते हैं 5 करोड़ रुपए चार्ज करते हैं। तुम्हें पता है सौरभ महीने का 1,20,000 कमाता है। नो प्रॉब्लम वर्मा जी, आई लेट यू नो। ये आपकी सैलरी का चेक है। तुम बार बार फोन करके क्या साबित करना चाहते हो? तुम घटिया माँ की घटिया औलाद हो। जिस माँ को तू भला बुरा कह रही है ना, उसी माँ की कसम खाकर कहता हूँ कि जितना भी तू कमाती है ना उससे ज्यादा सैलरी अपने यहाँ काम करने वालों को दूंगा। थैंक यू। सो वी आर डन हियर, एक्चुअली आई हैव टू गो। नाइस टू मीट यू गाइस। वन डे यू कांट अफोर्ड मी।
If you insult me, I will show you. ₹110? क्या करेगा इतनी बड़ी रकम का? गीत को होटल ताज ले जाएगा? बेटा, जब टाइम खराब हो ना, तो गुस्सा नहीं करते हैं। अगर सूरज की तरह चमकना है ना, तो सूरज की तरह जलना सीख। No pain, no gain.